हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डेयरी फाइलिन इंजेक्शन के बारे में और सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। फिर जानेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, फिर किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन से मेडिकल कंडीशन में उसको यूज़ ना करें, मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड वार्निंग्स भी जानेंगे हम ये इंजेक्शन के बारे में। फिर किस तरह से ये इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी प्राइस वगैरह क्या होती है, तो सब सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग टू लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूजर्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूँ डेयरी फाइलिन इंजेक्शन के बारे में। तो डेयरी फाइलिन इंजेक्शन ऐसी क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स है, कि डेयरी फाइलिन के अंदर मेन दो मेडिसिन है, कि एक यहाँ पे आप देखोगे कि इटोफाइलिन है उसके अंदर और दूसरा जो है थियोफाइलिन। यहाँ पे उसके कंटेनर के ऊपर आप देख सकते हैं कि थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन का ये इंजेक्शन है और जिसके मैन्युफैक्चर हम देखें तो जाइडस कैडिला फार्मा है। तो ये जो मेडिकेशन है कि मेन सॉल्ट कंपोजिशन उसका कि इटोफाइलिन की जो पर ml 84.7 मिलीग्राम जितना होता है और थियोफाइलिन की जो पर ml 25.3 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन के अंदर अवेलेबल है। तो ये मेडिकेशंस कहे जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब क्या है, तो वो भी समझते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब जो है कि ऐसे मेडिकेशंस की जब आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब कि जब भी किसी पर्सन को अस्थमा के अटैक आते हैं तो क्या होता है कि ये जो मसल्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के और स्पेशली जो ब्रोंकाइस के, तो वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है और उनका डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, उसको डायलेट कर देते कि जो पहले कंस्ट्रिक्ट हो चुका था अब उसको डायलेट करेगा और डायलेट करने से उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर समझिए कि ये जो है वो नॉर्मल कंडीशन है पहले डायग्राम के अंदर, कि ये नंबर वन में लिखूं तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि जो अंदर का जो इंटरनल डायमीटर भी सही है, कि जो एयर के पाथवे, एयर के लिए पूरा पाथवे बंद है, कि यहाँ से एयर जो है वो अच्छे से पास होके हमारे लंग्स तक पहुँचती है। जब किसी पर्सन को अस्थमा अटैक आता है तो क्या होता है, ये जो मसल्स है, लाइनिंग है, वहाँ पर हो जाता है कंस्ट्रिक्शन। तो इस तरह से आप देखो ये डायमीटर जो है वो पहले के कंपेयर में जो है वो हो जाता है स्मॉल, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मसल स्पाज़म होते हैं। और जब आप मेडिकेशंस देते हैं ब्रोंकोडायलेटर तो ये क्या होगा कि ये जो आपकी ब्रोंकाई जो थी वो यहाँ पे हो गई है कंस्ट्रिक्ट। तो ये कंस्ट्रिक्ट हुई जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट करने का काम करेगा, डायलेट यानी कि कर देगा अच्छे से रिलैक्स। तो रिलैक्स करने के बाद कि इटोफाइलिन का ये जो इंजेक्शन है या फिर डेरीफाइलिन कि जिसके अंदर इटोफाइलिन थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन में है, तो जैसे ये इंजेक्शन दिया जाता है ये ब्रोंकाइस जो है वो तुरंत डायलेट हो जाती है और फिर से अपना नॉर्मल डायमीटर उनका आ जाता है, कि वहाँ से एयर जो है वो अच्छे से अब फिर से पास हो जाएगी, जिसके कारण जो पर्सन को ब्रीथिंग के लिए डिफ़िकल्टी हो रही थी कि जब ये पासेज काफ़ी ब्लॉक हो जाता है तो ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी आती है और ब्रीथिंग बेटर करवाता है कि जब आप ये इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। तो क्या करता है कि रिलैक्स करता है ब्रोंकियल मसल्स को, कि जो वहाँ पे स्पाज़म हो चुके थे, उनका कंस्ट्रिक्शन हो चुका था, कंस्ट्रिक्ट हो चुके थे, तो उनको डायलेट या फिर रिलैक्स करके ये मेडिकेशन अपना काम करते हैं। तो इसी का मतलब है ब्रोंकोडायलेटर और डेरीफाइलिन इंजेक्शन के अंदर ये ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिकेशंस का जो है वो मिक्सचर है। आगे समझते हैं ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में। तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम करता है ये तो आपको समझ में आ गया,
बट कौन से मेडिकल ऐसे कंडीशन की जिसमें आप उसको यूज़ करेंगे, कि ऐसी कंडीशन की जहाँ पे ब्लॉकेज होता है एयर पाथवेज का, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, कि ये जो डायग्राम है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, तो एक जो पार्ट है यहाँ से समझो कि सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर दे, तो ये वाला जो है कि राइट साइड के अंदर आप देखोगे तो ये नॉर्मल लंग है, और लेफ्ट साइड का पोर्शन देखो तो वहाँ पे अस्थमेटिक लंग्स है। तो यहाँ पे मसल्स जो है वो अच्छे से रिलैक्स है, नॉर्मल लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ये जो ब्रोंकाइस की, एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस की, म्यूकस भी वहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल अमाउंट में। बट जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, कि जैसे कि अस्थमा हुआ है आपको, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन से, एम्फेसेमा हुआ है, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस फॉर्म हो जाता है, स्वॉलन लाइनिंग की, यहाँ पे जो नॉर्मल लाइनिंग्स थी वहाँ पे स्वॉलन, मतलब कि ये लाइनिंग्स के ऊपर अब सूजन आ गई है। अब सूजन आने से क्या होगा कि यहाँ से एयर अच्छे से पास होती थी, जबकि यहाँ पे आप देखो पूरा जो है वह ब्लॉक हो चुका है काफ़ी, और ऐसे कंडीशन काफ़ी और लंबे समय तक चली तो पर्संस को ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ज़रूरी है ये टाइट हो गए मसल्स को फिर से ये वाले राइट साइड के तरह रिलैक्स करवा के नॉर्मल लाइनिंग्स करवाना ज़रूरी है, और अच्छे से एयर पास हो सके। तो नीड टू डायलेट इट टू इट फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग ऑफ पेशेंट, कि अच्छे से उसको डायलेट करवाना ज़रूरी है, कि जैसे कि अस्थमा और COPD के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। कि जैसे ही आप डेरीफाइलिन का इंजेक्शन देते हैं तो फिर से ये ब्लॉकेज जो है वो ओपन हो जाता है और नॉर्मल पाथवे जो है वो बन जाता है, कि जिससे पर्सन जो है वो इजीली ब्रीथिंग कर सकता है, आसानी से जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग उसके स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि कौन से मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है, कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कंडीशन है, एम्फेसेमा के कंडीशन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, टाइटनेस इन द चेस्ट, कि चेस्ट के अंदर आपको टाइटनेस जैसा फील हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से, वीजिंग वगैरह है, और स्पेशली जो अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं, तो ये सभी कंडीशंस के अंदर डेरीफाइलिन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अब समझ लेते हैं उसके डोज एंड रूट को। तो कौन से रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है, तो एम्प्यूल के अंदर, ये वाली जो एक एम्प्यूल आप देख सकते हैं, तो ये एम्प्यूल के अंदर रहता है 2 ml जितना कंटेंट, और 2 ml के अंदर थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन का जो मिक्सचर रहता है। तो ये इंजेक्शन पेशेंट्स को इंट्रामस्क्यूलर या फिर इंट्रावेनसली दिया जाता है, कि वेन के अंदर उनको इंजेक्शन दिया जाएगा या फिर मसल्स के अंदर, एंड 2 ml एट वंस इज इनफ टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन, कि जब अस्थमेटिक अटैक है या फिर जो भी हमने जो डिस्कस किया अलग अलग कंडीशंस, तो उस वक्त एक बार वंस ये एक ही एम्प्यूल्स जो है वो 2 ml जितना एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप पेशेंट को इंट्रावेनसली एंड इंट्रामस्क्यूलरली, और ज़रूरत पड़ने पर एटलीस्ट 6 से 8 घंटे के गैप के बाद ही दूसरा इंजेक्शन जो है वो उसको दे सकते हैं, और वो भी ज़रूरत पड़ने पर ही। अगर ज़रूरत नहीं है तो एक इंजेक्शन से भी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, कि जब अस्थमेटिक अटैक आता है या फिर जो हमने प्रीवियस जितने भी कंडीशंस डिस्कस किए सभी के अंदर 2 ml एट वंस इज इनफ टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन, एंड डोंट गिव इन ओवरडोज, कि एक ही टाइम में ऐसा नहीं कि आप 4 ml जितना इंजेक्ट कर दे, 6 ml, ऐसे हायर डोज की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर समझो कि 6 से 8 घंटे के गैप को रख के आप ये 2 ml का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं टू फॉर द रिकवरी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड द कंडीशंस लाइक COPD एंड अस्थमा। अब जान लेते हैं उसके प्राइस के बारे में, कि कितनी प्राइस है। तो आज की तारीख जो है कि 23 मई 2021 के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो उसकी प्राइस है सिर्फ ₹5, कि ये एक एम्प्यूल जो है ये एम्प्यूल की प्राइस रहेगी सिर्फ ₹5। तो अलग अलग जो फार्मा कंपनी से, कि जो ई फार्मा कंपनी से, वो इसको और भी डिस्काउंट के साथ भी बेचते हैं। तो यूजली आप किसी फार्मेसी पर से परचेस करोगे तो 5 या 6 रुपये के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो मिल जाता है। तो ये तारीख के अकॉर्डिंग टू ये हम प्राइस आपको बता रहे कि
23 में 2021 के अकॉर्डिंग टू अराउंड 5 रुपये में ये एक एमपील मिल जाता है, जिसके अंदर 2 ml जितना कंटेंट रहता है। फिर जानने जरूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हम कोई देखे तो ट्रेम्बलिंग जैसा हो सकता है पेशेंट्स को, कि जब ये इंजेक्शन देते हैं कई बार हायर डोज में यूज़ हो जाता है तो भी ट्रेम्बलिंग की कंडीशन होती है कि, और वो भी हैंड्स के अंदर। तो ट्रेम्बलिंग या फिर सीजर्स आना, हाथ में कंपन जैसा होना, जैसी कंडीशंस होती है कि जब कई बार हायर डोज में यूज़ कर दिया जाता है। कुछ लोगों को हेडेक का भी प्रॉब्लम होता है कि हेडेक की कंडीशन भी फॉर्म होती है। ड्राई माउथ ये एक उसका साइड इफ़ेक्ट है कि जब ये इस टाइप के मेडिकेशंस दिए जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, तो वो ड्राई माउथ करते हैं कि जो सलाइवरी सिक्रेशंस कई बार रिड्यूस हो जाने से ड्राई माउथ जैसी कंडीशन आपको लगती है। फिर सडनली नोटिसेबल हार्ट बीट्स, कि हार्ट बीट्स जो है वो आपके नोटिसेबल हो सके, मतलब कि हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, पालपिटेशंस जैसा हो सकता है, मसल्स क्रैम्प्स जैसा हो सकता है आपको, कॉफिंग जैसा लगा, नोजिया वॉमिटिंग, एंड कुछ पेशेंट्स के अंदर डायरिया भी नोटिस किया जाता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस इंजेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझे कि कौन से ऐसे कंडीशंस में ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करने की। अगर आप थायराइड के प्रॉब्लम है आपको, कि थायराइड ग्लैंड आपकी हाइपर एक्टिव है, कि जिसको हम कहते हैं कि हाइपर थायरॉयडिज्म, तो भी आप ये इंजेक्शन को यूज़ ना करें। फिर जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं, कि जिनका इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर, कि जिसको IOP कहते हैं, कि आँख के अंदर प्रेशर आपका ज़्यादा है और इसके कारण आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, या फिर आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं तो भी उसको यूज़ ना करें। तीसरे जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता। हाइपोकैलेमिया के जो पेशेंट है, सीजर्स के जिनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है, कि जिनका ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट बीट्स इरेग्युलर रहते हैं, हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, अरिथमिया के जिनके हार्ट बीट्स जो है वो काफ़ी इरेग्युलर रहते हैं, और कोरोनरी आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट। तो इन शॉर्ट हम देखें तो जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं, कि ये नीचे के आप सभी देखो तो हार्ट फेलियर देखे या फिर हाइपरटेंशन, अरिथमिया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो वो लोग ये इंजेक्शन को यूज़ ना करें। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द डायरीफाइलिन इंजेक्शन, की जिसके अंदर सभी पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, वैल्यूएबल कॉमेंट्स करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।